डियर स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास बायोलॉजी से चैप्टर नंबर 12 बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। और इस पार्ट में मेनली हम बायोटेक्नोलॉजी की जो एप्लीकेशन है मेडिसिन में, जो मेडिकल इंडस्ट्री है इसके अंदर क्या कुछ एप्लीकेशन है वो डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आरडीटी प्रोसेस एनेबल मास प्रोडक्शन ऑफ सेफ एंड मोर इफेक्टिव थेरोपेटिक ड्रग्स। थेरोपेटिक का मतलब होता है थेरेपी का मतलब होता है इलाज। इलाज के दौरान अलग अलग बीमारियों का इलाज जब किया जाता है तो अलग अलग जो दवाइयाँ यूज की जाती हैं तो उनके साइड इफेक्ट होने के ज़्यादा चांसेज होते हैं। तो जो आरडीटी है, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इन्होंने, इस प्रोसेस ने हमें ऐसे ऐसे जो ड्रग्स हैं उनको तैयार करने में मदद की है जो ज़्यादा सेफ हैं और ज़्यादा इफेक्टिव हैं। रिकम्बिनेंट थेरोपेटिक्स डू नॉट इंड्यूस अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्सिज। तो जो रिएक्शन होती हैं, कई बार जो हम ड्रग्स वगैरह ले लेते हैं दवाइयाँ रिएक्शन कर जाती हैं बॉडी में, तो ऐसी जो रिकम्बिनेंट थेरोपेटिक्स का मतलब है जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार की गई जो दवाइयाँ हैं वो शरीर में अनवांटेड इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उनको नहीं करती हैं, मतलब उनके रिएक्शन वगैरह हैं, मतलब जिस काम के लिए उनको लिया जाता है वहीं पर वो इफेक्टिव रोल प्ले करती हैं। 30 रिकम्बिनेंट थेरोपेटिक्स हैव बीन अप्रूव्ड फॉर ह्यूमन यूज वर्ल्ड एवर। तो वर्ल्ड ओवर मतलब आज हम लगभग 30 जो रिकम्बिनेंट थेरोपेटिक्स हैं पूरे संसार में, अलग अलग प्रकार की जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से तैयार की गई दवाइयाँ हैं या फिर इलाज हैं वो हम जो मेडिसिन इंडस्ट्री है इसके अंदर यूज कर रहे हैं। और इंडिया के अंदर ही हम जो 12 ऑफ दीज आर प्रेजेंटली बीइंग मार्केटेड, और जो 30 रिकम्बिनेंट थेरोपेटिक्स हैं इनका इंडिया के अंदर भी, इनमें से 12 जो थेरोपेटिक्स हैं वो इंडिया के अंदर भी वो मार्केटेड की जाती हैं, मतलब बाजार में उपलब्ध हैं। जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन, तो सबसे पहले जो बायोटेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन देखते हैं जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन का मतलब है, जैसे डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं उनको लगातार अपने शरीर में इंसुलिन लेना पड़ता है ताकि उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो कंट्रोल रहे। तो इतना सारा इंसुलिन वैसे अवेलेबल भी नहीं है क्योंकि जो जनसंख्या है लगातार बढ़ती जा रही है और डायबिटिक पेशेंट भी काफ़ी सारे हैं पूरे वर्ल्ड में। तो हम इतना सारा जो इंसुलिन है वो रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी से ही तैयार कर पाते हैं। तो अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज मैनेज्ड बाय टेकिंग इंसुलिन एट रेगुलर टाइम इंटरवल। अडल्ट ऑनसेट का मतलब है, मतलब ये जो डायबिटीज का वो टाइप है जो कि वयस्क अवस्था से शुरू होता है, जन्मजात नहीं होता, और ऐसी डायबिटीज को हम रेगुलरली इंसुलिन के जो इंजेक्शन वगैरह हैं उनके द्वारा ही कंट्रोल कर सकते हैं। एज डायबिटीज इज ए कॉमन डिजीज सो रिक्वायर ए लोट ऑफ इंसुलिन। तो जो डायबिटीज है वो बड़ी ही आम बीमारी है और हमको इसके लिए क्या चाहिएगा, फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में इंसुलिन की ज़रूरत रहेगी। इंसुलिन आइसोलेटेड फ्रॉम अदर एनिमल्स एलिसिट एन इम्यून रिस्पॉन्स इन आवर बॉडी। इम्यून रिस्पॉन्स का मतलब है ये एलर्जिक रिएक्शन है या फिर एक जो रिएक्शन है अलग अलग प्रकार की वो बॉडी में क्रिएट कर सकता है यदि हम किसी भी दूसरे एनिमल से लें इंसुलिन, मतलब कोई भी अदर टाइप का जैसे कैटल है, पिग है, इनसे यदि हम इंसुलिन लें तो वो रिएक्शन क्रिएट कर सकता है बॉडी में। इंसुलिन यूज्ड फॉर डायबिटीज वाज अर्लियर, पहले जो इंसुलिन यूज किया जाता था तो वो हम जो स्लैटर्ड जहाँ पे ये जो कैटल्स मवेशी या पिग सुअरों की कटाई वगैरह होती है तो वहाँ से जो भी इंसुलिन था वो वहाँ से निकाला जाता था पहले, इनकी पैनक्रियाज से, अग्नाशय से। इंसुलिन फ्रॉम एन एनिमल सोर्स काज्ड एलर्जी, और इनसे जो इंसुलिन लिया जाता था डायबिटिक पेशेंट के द्वारा तो वो एलर्जी कोज करता था और कई बार कुछ रिएक्शंस हैं वो भी देखने को मिल जाती थी बॉडी के अंदर। तो स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन देखते हैं हम, कैसी स्ट्रक्चर होती है। इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ टू शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन। इंसुलिन में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड, पॉलीपेप्टाइड का मतलब है प्रोटीन की चेन बनी होती है, चेन ए एंड चेन बी, लिंक्ड टुगेदर बाय डाइसल्फाइड ब्रिज, और दोनों चेन हैं वो डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा जुड़ी होती हैं किसके अंदर, प्रो एंजाइम के अंदर। जैसे प्रो हार्मोन होता है इसी तरीके से प्रो एंजाइम भी होता है जो कि इनएक्टिव फॉर्म होती है एंजाइम की, और प्रो एंजाइम के अंदर एक एक्स्ट्रा स्ट्रेच सी पेप्टाइड, एक एक्स्ट्रा चेन भी प्रेजेंट होती है जिसको सी चेन बोलते हैं। ये प्रीमैच्योर फॉर्म में पाया जाता है और जब मैच्योर हो जाता है
इंसुलिन, मतलब जो इसकी एक्टिव हॉर्मोन होती है उसमें केवल चेन ए और चेन बी ही पाई जाती हैं। सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, तो वही बात है, जो सी चेन है वो मैच्योर इंसुलिन में नहीं पाई जाएगी, उसको मैच्योरेशन प्रोसेस के टाइम पे रिमूव कर दिया जाता है इंसुलिन से। तो हम पिक देख सकते हैं, ये प्रो इंसुलिन है, मतलब प्रो इंसुलिन मतलब एक प्रो इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये प्रो इंसुलिन मतलब इनएक्टिव फॉर्म है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं एक ए चेन है जो ग्रीन कलर है, एक बी चेन है जो ब्लू कलर है, और जो एक ग्रे कलर है वो सी चेन है। और जब इसकी मैच्योर फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया जाता है तो इसमें ए और बी चेन ही रह जाती हैं, जो सी चेन है वो रिमूव कर दी जाती हैं। तो एक हार्मोन के तरीके से काम करता है ये। वर्क ऑफ एलिलिली, तो जेनेटिक इंजीनियर्ड जो इंसुलिन हमने तैयार किया है, तो उसमें एक कंपनी है एलिलिली नाम की, उसका वर्क बड़ा ही सराहनीय माना जाता है, जो अमेरिका की कंपनी है ये। तो मेन चैलेंजेस फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग आरडीएनए, मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या टेक्निक्स, वाज गेटिंग इंसुलिन असेंबल्ड इनटू अ मैच्योर होम। तो जो मेन काम है, जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन ए बी वगैरह, तो ये तो तैयार कर ली जाएंगी, लेकिन उनको मैच्योर फॉर्म के अंदर कैसे असेंबल किया जाए, मतलब उसके डाइसल्फाइड ब्रिज हैं वो कैसे बनाए जाएं, मेन चैलेंज इस चीज़ का था स्टार्ट में। तो इन 1983 1983 के अंदर एक एली लिली अमेरिकन कंपनी है प्रिपेयर्ड टू डीएनए सीक्वेंस कोरोस्पॉन्डिंग टू ए ए एंड बी चेन। तो उन्होंने क्या, दो डीएनए दो जीन को तैयार कर लिया जो कि ए और बी चेन बना सकते थे, एंड इंट्रोड्यूस्ड देम इन ए प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया है उसके प्लाज्मिड में इनको इंट्रोड्यूस कर दिया ताकि वो इंसुलिन चेन को बना सकें। चेन ए एंड चेन बी वर प्रोड्यूस्ड सेपरेटली, तो यहाँ पे जो चेन ए और चेन बी को अलग अलग तैयार किया गया और एक्सट्रैक्टेड एंड कम्बाइंड बाई क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। तो इनको ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए, इनकी मैच्योर फॉर्म बनाने के लिए, जो दोनों चेन है ए और बी, उनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड क्रिएट किए गए और उससे जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो तैयार किया गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं अलग अलग प्लाज्मिड लिएंगे, और प्लाज्मिड में, एक प्लाज्मिड में हमने जीन कोडिंग फॉर चेन ए डाला गया, ये जो पिंक जो रेड कलर का पोर्शन है, और दूसरे प्लाज्मिड में क्या डाला गया, जो जीन कोडिंग चेन बी। तो जो ये प्लाज्मिड है, जब ये बैक्टीरिया के अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो ये कौन सी चेन और मल्टीप्लाई करके जो भी ट्रांसलेशन करेगा, प्रोटीन बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड बनाएगा, तो वो चेन ए बनाएगा। और इसी तरीके से जो दूसरा प्लाज्मिड है वो चेन बी बनाता है। तो सेपरेट सेपरेट इनको तैयार किया गया ई कोलाई के अंदर, और उसके बाद जो चेन ए और चेन बी है इनको डाइसल्फाइड बॉन्ड बना के अटैच कर दिया गया, और इससे जो हमको जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन है वो मिल गया। तो इस तरीके से आरडीटी टेक्नोलॉजी के द्वारा जो जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन है वो तैयार किया जाता है। उसके बाद है जीन थेरेपी, कलेक्टिंग ऑफ मेथड दैट अलोज कोरेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन ए चाइल्ड और इम्ब्रियो। तो ये सेकंड एप्लीकेशन देखेंगे हम मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, कि जो जेनेटिक जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। तो इसके अंदर क्या है, जीन थेरेपी में कलेक्शन ऑफ मेथड दैट अलाउ कलेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट दैट हैज बीन डायग्नोज्ड इन ए चाइल्ड और इम्ब्रियो। तो इम्ब्रियो के अंदर काफ़ी सारे जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं, कुछ वो जन्मजात बीमारी होती हैं जीन के अंदर डिफेक्ट होने की वजह से उसको बीमारी देखने को मिलती हैं। तो उन बीमारियों को ठीक करने के लिए काफ़ी सारी मेथड हैं वो यूज की जाती हैं। जीन्स आर इंसर्टेड इन टू ए पर्सन सेल एंड टिश्यू टू ट्रीट डिजीज। तो जीन को फिर उस पर्सन की, जिसको भी बीमारी है, उसकी सेल में इंट्रोड्यूस किया जाता है, इंसर्ट किया जाता है, एंड टिश्यू टू ट्रीट ए डिजीज। और टिश्यू के अंदर भी हम सेल के अंदर या फिर टिश्यू के अंदर इस चीज़ को, जो करेक्टिव जीन है उनको हम डाल के और जो डिफेक्टिव जीन है उसको रिमूव कर सकते हैं। एन अटेम्प्ट टू क्योर हेरिडिटरी जीन डिजीज, तो ये एक प्रयास है जिसके अंदर हेरिडिटरी डिजीज हैं, जो जन्मजात बीमारी हैं जो पेरेंट्स से आती हैं, उनको ठीक किया जा सकता है इसके द्वारा। इन्वॉल्व्स डिलीवरी ऑफ ए नॉर्मल टू टेक ओवर फंक्शन ऑफ एंड कंपनसेट फॉर नॉन फंक्शनल जीन। तो ये क्या करता है, इसमें हम एक नॉर्मल जीन है वो इंट्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, जिसकी और वो उस जीन का फंक्शन टेक ओवर कर लेता है जिस जीन की वजह से प्रॉब्लम है। मतलब नॉन फंक्शनल जीन मतलब वो फंक्शन वो होता है जो कि अपना फंक्शन सही ढंग से नहीं कर पा रहा,
उसको रिमूव कर दिया जाता है नॉर्मल जीन के द्वारा। फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज गिवन इन 1990, 1990 के अंदर सबसे पहले जो जीन थेरेपी की गई वो एक 4 साल की लड़की की थी, और जिसके अंदर एक बीमारी थी एडिनोसिन डी एमाइनेज डेफिशिएंसी, एडीए बीमारी से वो ग्रसित थी। उसके अंदर ये जो इंजाइम का नाम है एडिनोसिन डी एमाइनेज, ये इंजाइम नहीं था, तो इस इंजाइम की डेफिशिएंसी थी। और ये इंजाइम क्यों नहीं बन पा रहा था, क्योंकि इसको बनाने वाला जो जीन है वो डिफेक्टिव था उसके अंदर। तो इंजाइम इज क्रूशियल फॉर इम्यून सिस्टम टू फंक्शन, और ये इंजाइम क्या करता है, इम्यून सिस्टम जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है तो उसको बनाए रखने में मदद करता है। तो काज्ड ड्यू टू डिलीशन ऑफ जीन फॉर एडिनोसिन डी एमाइनेज, जो ये इंजाइम है तो इसका जीन है वो डिलीट हो चुका था, वहाँ पे नहीं था वो, उसकी जो डीएनए के अंदर वो जीन अब्सेंट था, तो उस जीन को मतलब ये इंट्रोड्यूस करवाया गया और इससे इस बीमारी को ठीक किया गया सबसे पहले 1990 के अंदर। उसके बाद है, यहाँ पे हम देख सकते हैं जो सेल है विद नॉन फंक्शनिंग जीन, कोई भी एक जीन है यहाँ पे जो कि फंक्शन नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, एडिंग डीएनए कंटेनिंग है फंक्शनल जीन। तो जैसे ये डीएनए है तो यहाँ पे ये ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो हम बाहर से एक ऐसा जीन इसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे सेल के अंदर, और वो सेल क्या कर देती है फिर नॉर्मली फंक्शन करना स्टार्ट कर देती है। इसलिए हम जीन थेरेपी को यहाँ से ठीक, जीन थेरेपी के द्वारा कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसको ठीक कर सकते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ जीन थेरेपी, जीन थेरेपी के अलग अलग तरीके हैं जिनके द्वारा हम जो डिफेक्टिव जीन है उसको ठीक कर सकते हैं। इन सम चिल्ड्रन, कुछ बच्चों में एडीए डिफिशियंसी कैन बी क्योर्ड बाय बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन। बोन मैरो सेल ऐसी होती हैं जो स्टेम सेल होती हैं, और वहीं से जो आरबीसी वगैरह है काफ़ी सारी सेल्स से वहीं से बनती हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन का मतलब है कि जो बोन मैरो एक ऐसी जगह होती है जो लंबी हड्डियों के बीच में पाई जाती है, जो लंबी हड्डियाँ होती है जैसे फीमर बोन, वो अंदर से खोखली होती है, खाली होती है, तो उसके अंदर बोन मैरो पाया जाता है। और हम एडीए डेफिशिएंसी जो एडिनो सीन डी एमाइनेज डेफिशिएंसी है उसको बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन से भी कर सकते हैं, मतलब क्योर किया जा सकता है उसका बाय इंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। दूसरा है कि जो बॉडी के अंदर इंजाइम बन रहे हैं वो ठीक ढंग से यदि काम नहीं कर रहा है तो हम इंजाइम को ही रिप्लेस कर सकते हैं। इन विच फंक्शनल एडीए, मतलब ये इंजाइम है फंक्शनल एडीए इज गिवन टू पेशेंट बाय इंजेक्शन बट नॉट कम्प्लीटली क्यूरेटिव। तो हम बार बार क्या कर सकते हैं, इंजेक्शन के जरिए एडीए है इंसर्ट कर सकते हैं बॉडी में, लेकिन ये इससे पूरा ठीक तरीके से इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि बार बार इंजेक्शन के जरिए इंजाइम को शरीर के अंदर दिया जाना पड़ता है। लिम्फोसाइट फ्रॉम ब्लड, ये तीसरा तरीका है जिसके अंदर क्या करते हैं, जो लिम्फोसाइट हमारा इम्यून सिस्टम प्रोवाइड करती हैं, इम्यून सिस्टम में बहुत बड़ा रोल होता है भी लिम्फोसाइट, ये लिम्फोसाइट तो उनको क्या करते हैं, ब्लड से फ्रॉम ब्लड ऑफ द पेशेंट आर ग्रोन इन कल्चर आउटसाइड द बॉडी। तो जो लिम्फोसाइट हैं जो कि ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं किसकी वजह से, एडीए की कमी की वजह से, तो उनको हम पेशेंट की बॉडी से बाहर निकालते हैं और उनको एक कल्चर मीडियम मतलब लैब के अंदर उसको रखा जाता है, और उनको क्या किया जाता है फिर जो भी मतलब उनका फंक्शनल, जो नॉन फंक्शनल उनके अंदर जो एक्टिविटी है उसको ठीक किया जाता है, मतलब जो कमी है वो दूर की जाती है, और उसके बाद लिम्फोसाइट को शरीर के अंदर वापस इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो ये फंक्शनल एडीए सीडीएनए यूजिंग ए रेट्रो वैक्टर इंट्रोड्यूस्ड इन दीज लिम्फोसाइट विच रिटर्न टू द पेशेंट। तो क्या किया जाता है, जो ये लिम्फोसाइट हमने निकाली हैं तो हम सीडीएनए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का यूज करके तो इनके अंदर जो जीन डिफेक्टिव है वो जीन इनके अंदर इंट्रोड्यूस कर देंगे, और फिर इन लिम्फोसाइट को वापस बॉडी के अंदर भेज दिया जाता है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या है कि पेशेंट रिक्वायर पीरियडिक इन्फ्यूजन ऑफ सच जेनेटिकली इंजीनियर्ड लिम्फोसाइट, क्योंकि लिम्फोसाइट हैं वो लंबे टाइम तक जीवित नहीं रहती, उनका भी एक लाइफ स्पैन होता है, और जैसे ही जो हमने लिम्फोसाइट इस तरीके से ये सी डी एन ए कॉम्प्लीमेंट्री डी एन ए मतलब एक जो नॉर्मल फंक्शनल जीन लगा के अंदर भेजी हैं तो वो थोड़े टाइम के बाद डेथ हो जाएगी उनकी, उसके बाद नई जो लिम्फोसाइट्स आएंगी तो उनको भी इसी तरीके से हमने जेनेटिकली इंजीनियर्ड करके शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसमें पीरियोडिक इन्फ्यूजन का मतलब बार बार बॉडी के अंदर इनको इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, जीन आइसोलेशन या जीन आइसोलेट फ्रॉम मैरो सेल मतलब बोन मैरो सेल प्रोड्यूसिंग एडीए इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू सेल्स एट अर्ली इम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जो इम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है फिटस,
फिटल स्टेज होती है, तो उसी टाइम पे हम इन डिसऑर्डर का यदि पता लगा लेते हैं तो ये अर्ली इम्ब्रियोनिक स्टेज में ये ठीक हो सकती हैं। यदि यंग एज में या फिर जन्म के बाद इन बीमारियों का पता लगता है तो उसमें जो इलाज है इनका पूरी तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एट अर्ली इम्ब्रियोनिक स्टेज इट कुड बी परमानेंट क्योर। तो यदि जीन को, ये डिफेक्टिव जीन को जो मैरो सेल होती हैं फीटस के अंदर उसी टाइम पे मतलब इम्ब्रियोनिक स्टेज में ही ठीक किया जाए तो उससे ही परमानेंट इलाज हो सकता है। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मेडिकल फील्ड में जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है या बायोटेक्नोलॉजी, उसकी मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस। मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ पैथोजन बैक्टीरिया वायरस एक्सेट्रा सस्पेक्टेड व्हेन प्रोड्यूस ए डिजीज सिम्टम। तो हमको किसी बीमारी का कब पता लगता है बॉडी में है या वो नहीं है, तो जब सिम्टम्स अराइज होते हैं उस पार्टिकुलर डिजीज के। तो जैसे बैक्टीरिया वायरस जब हमारे शरीर में एंटर करते हैं तो वो डैमेज करते हैं बॉडी ऑर्गन्स को, सेल्स को, और उसके बाद कुछ वो लक्षण पैदा करते हैं और वही लक्षण के बेस पे हम बता सकते हैं कि बीमारी है या नहीं है शरीर में। बाय दिस टाइम कंसंट्रेशन ऑफ पैथोजन इज ऑलरेडी वेरी हाई इन द बॉडी। और इस टाइम तक मतलब जो सिम्टम जब तक हमको दिखाई देते हैं किसी भी बीमारी के, उस टाइम तक जो मात्रा है पैथोजन्स की, डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स की, वो बहुत ज़्यादा हाई चली जाती है। वेरी लो कंसेंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया और वायरस कैन बी डिटेक्टेड। तो बिना जैसे लक्षण दिखाई देने से पहले ही हम मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बेस पे जिस टाइम पे जो बैक्टीरिया या वायरस की संख्या बहुत कम है तो उनका पता लगा सकते हैं इस मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस की मदद से। अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल यूजिंग कन्वेंशनल मेथड ऑफ डायग्नोसिस सीरम एंड यूरिन एनालिसिस। तो सीरम और जो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट होता है तो उसके अंदर क्या किया जाता है, जब डिजीज के सिम्टम दिखाई देते हैं तो जब मतलब पैथोजन अच्छे खासे मात्रा में हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं तो उसी पे ये काम करते हैं जो ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट बीमारी का पता लगाने के लिए। लेकिन जो टेक्निक्स ऑफ अर्ली डायग्नोसिस के अंदर कुछ टेक्निक आ जाती हैं जिसके द्वारा हम बीमारी के लक्षण से पहले ही बता सकते हैं कि इस पर्सन को डिजीज है या नहीं है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी ऐसी ही टेक्निक है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं। दूसरा है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर, जो हम इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। और एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट ऐसे अलाइजा टेस्ट है जो कि एड्स में किया जाता है, जिसमें अब कुछ ऐसी घातक बीमारियां होती हैं जिनके लक्षण दिखाई देने में काफ़ी टाइम लग जाता है। तो जो उनका इंक्यूबेशन पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब इन्फेक्शन से जो सिम्टम दिखाई देते हैं जब तक बैक्टीरिया इतनी ज़्यादा संख्या में ग्रो कर जाते हैं बॉडी में कि जब तक लक्षण लक्षण उनके दिखाई देंगे तब तक तो बॉडी बहुत ज़्यादा डैमेज होती हुई चली जाएगी। और हो सकता है जब लक्षण उसके दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो उस टाइम तक हम उस बीमारी को ठीक भी ना कर पाएं। तो उन केसेज में ये अर्ली डायग्नोसिस है, अर्ली डिटेक्शन है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करता है। पीसीआर टेक्निक होती है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इस प्रोसीजर में जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कैसे की जाती है, तो प्रोसीजर क्या रहता है इसमें, ए सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए टैग्ड विद रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोब। तो हम इसमें एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए यूज करते हैं जिसको हम रेडियो एक्टिव बना लेते हैं, कुछ ऐसा सब्सटेंस उसके ऊपर चिपका देते हैं जिससे कि वो रेडिएशन छोड़ सकता है। और ये बाहर से दिया जाता है डीएनए आरएनए, और इसको हाइब्रिडाइजेशन के लिए छोड़ दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के साथ इन ए क्लोन ऑफ सेल्स फॉलोड बाय डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। तो हम क्या करेंगे, कुछ सेल को पेशेंट की बॉडी से ले बाहर निकालेंगे, उसमें से डीएनए को आइसोलेट करेंगे, और डीएनए को आइसोलेट करने के बाद उसके फ्रैगमेंट करेंगे, जैसे कि हमने जो प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया था। तो उसमें उसके फ्रैगमेंट करने के बाद उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के ऊपर रन करवाया जाता है, फ्रैगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है, और फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करने के बाद जो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म है उनकी वो बनाई जाती है, क्योंकि हमने भी बाहर से सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए ले रखा है। तो उसके बाद जो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पेशेंट वाली बॉडी से अभी हमने तैयार किए हैं उनके साथ अब इन बाहर से छोड़े गए जो डीएनए है, जो रेडियो एक्टिव प्रोब लिए हुए हैं, उनको हाइब्रिडाइजेशन के लिए, चिपकने के लिए छोड़ दिया जाता है, क्योंकि वो कॉम्प्लीमेंट्री हो सकते हैं एक दूसरे के। तो उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसको ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा चेक किया जाता है। तो जो क्लोन हैविंग म्यूटेटेड जीन विल हैंस नॉट अपियर। तो बाहर से जो हमने डीएनए आरएनए छोड़ा है वो नॉर्मल जीन लिए हुए हैं, उनके जो नाइट्रोजीनियस बेस की सीक्वेंस है वो नॉर्मल है। लेकिन यदि पेशेंट की बॉडी में जो जीन है वो म्यूटेटेड फॉर्म में है, और म्यूटेटेड फॉर्म में ही जीन क्या करता है, डिजीज फैलाता है। अब यदि उस पर्सन को डिजीज है तो उसके जो डीएनए हैं
वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी शो नहीं करेंगे, और कॉम्प्लीमेंट्रिटी यदि नहीं शो करते हैं तो रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल को अपने साथ बाइंड नहीं कर पाएंगे और रेडियोएक्टिव मॉलिक्यूल वहां पे अटैच नहीं रह पाएगा, तो जिसकी वजह से फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर वो नहीं दिखाई देगा। और बिकॉज प्रोब विल नॉट हैव कॉम्प्लीमेंट्रिटी, क्योंकि इसका कारण क्या है कि जो प्रोब है उसके पास नॉर्मल जीन की कॉम्प्लीमेंट्रिटी थी, लेकिन जो जो पेशेंट से हमने जीन निकाला है म्यूटेटेड जीन, वो उसके साथ बाइंड नहीं कर पाता है, और जिसकी वजह से जो फोटोग्राफिक प्लेट है उसके ऊपर हमको वो अपियर नहीं होते हैं, क्योंकि ये फोटोग्राफिक प्लेट ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक से ही काम करती हैं, और यदि वहाँ पे रेडिएशन वगैरह सीक्रेट हो रही है तो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर उसकी इमेज बन जाती है। तो इमेज नहीं बन रही है तो इसका मतलब क्या है, बॉडी के अंदर नॉर्मल जीन नहीं है, उनके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है। तो एप्लीकेशन क्या है इसकी पीसीआर की, रूटीनली यूज्ड टू डिटेक्ट एचआईवी इन सस्पेक्टेड एड्स पेशेंट। तो इसको एचआईवी वायरस की प्रेजेंस का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है, एड्स जो हमने डिजीज पढ़ी थी जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, तो वहाँ पे भी हमने एलाइजा के बारे में पढ़ा था, एलाइजा का भी हम आगे देखेंगे किस तरीके से काम करता है एलाइजा टेस्ट। और पीसीआर भी उसमें यूज किया जाता है, क्योंकि पीसीआर बिल्कुल स्मॉल डीएनए फ्रैगमेंट के ऊपर काम करता है, यदि हमको थोड़ा सा भी सैंपल डीएनए का मिल जाता है बॉडी में, जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा वायरस बैक्टीरिया होने चाहिए वहां पे, थोड़े से डीएनए के ऊपर ये काम करता है सैंपल के ऊपर, उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मतलब उसकी मल्टीप्लाई कर करके हम उसको रिजल्ट के लिए यूज कर सकते हैं। तो इसको एड्स पेशेंट के अंदर एचआईवी जो वायरस है उनकी डिटेक्शन के लिए, उनका पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। यूज टू डिटेक्ट म्यूटेशन, तो म्यूटेशन जैसे हमने देखा था म्यूटेटेड जीन है वो बाइंड नहीं कर पा रहे, तो म्यूटेशन की वजह से कैंसर होती है, तो कैंसर पेशेंट के अंदर भी हम इस विधि को यूज कर सकते हैं अर्ली डिटेक्शन में, उसकी फर्स्ट स्टेज के अंदर ही, ताकि उसका इलाज किया जा सके। पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई मैनी अदर जेनेटिक डिसऑर्डर, और बहुत सारे ऐसे जेनेटिक मतलब जन्मजात बीमारियां होती हैं जीन के अंदर डिजीज होती हैं जो कि पीसीआर के द्वारा डिटेक्ट की जा सकती हैं। तो जो पीसीआर है उसको हम यहाँ से समझ सकते हैं, हालांकि हमने पिछले चैप्टर में पीसीआर के बारे में डिस्कस किया था। तो डीएनए लेंगे हम किसी भी सीक्वेंस इन सीक्वेंस ऑफ इंटरेस्ट का, और उसकी फिर क्या की जाती है, उसको पीसीआर के अंदर साइकिल से रन करवाया जाता है, तो इसको सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में लेके आएंगे, फिर उसके बाद प्राइमरी की एनीलिंग करी जाएगी, और एनीलिंग के बाद एक्सटेंशन। तो हमने पढ़ा था कि स्टार्टिंग में जो डीनेचुरेशन प्रोसेस होती है उसके बाद एनीलिंग होती है, उसके बाद एक्सटेंशन होता है, और एक्सटेंशन में क्या होता है, एक डीएनए स्ट्रैंड मतलब हमने डबल स्ट्रैंडेड डीएनए लिया था उसको सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट किया, उसके बाद उसकी दो कॉपी बनी, फिर सेकंड साइकिल चलाया जाएगा उससे चार कॉपी, थर्ड में आठ कॉपी, इस तरीके से जब 20 से 30 साइकिल हमने कर लिए, तो इतना सारा जो हमको मिलियंस ऑफ कॉपी हमने एक डीएनए की, देखो छोटे से सैंपल ऑफ डीएनए से हमने लाखों की संख्या में जो डीएनए है वो तैयार कर लिया, और अब इस डीएनए को हम एक्सपेरिमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में ये नहीं होता कि भाई एक हमारे पास डीएनए है उसी को हम एक्सपेरिमेंट में यूज कर रहे हैं, तो हो सकता है वो कहीं ना कहीं से डैमेज हो, जो वो सक्सेसफुल रिजल्ट ना दे, तो हमको हमारे रिजल्ट की सक्सेस रेशियो को बढ़ाने के लिए इतनी ज़्यादा कॉपी हैं वो तैयार की जाती हैं। उसके बाद है एलाइजा, एलाइजा की फुल फॉर्म होती है इंजाइम लिक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। तो इंजाइम लिक्ड प्रोसेस होती है ये, और इम्यूनो का मतलब है इम्यून सिस्टम से रिलेटेड, और इसके अंदर क्या रहेगा, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। जैसे हमारे शरीर में जब बाहर से एंटीजन एंटर कर जाते हैं बैक्टीरिया वायरस वगैरह, तो हमारा शरीर उनके प्रति एंटीबॉडी बनाता है, जो कि हमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में इम्यून सिस्टम के अंदर डिस्कस किया था। और इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ एंटीजन। तो ज़्यादातर जो ब्लड टेस्ट वगैरह किए जाते हैं उनमें एंटीबॉडी ही चेक की जाती हैं। अब जो हमारे शरीर में कोई भी पैथोजन एंटर करेगा तो एंटीबॉडी तभी बनती हैं, यदि हमारे शरीर में एंटीबॉडी हैं तो वो किसी न किसी बीमारी का एक सिंबल शो करती हैं। तो हमारे शरीर में जो पैथोजन्स हैं उनको डिटेक्ट किया जा सकता है किसके द्वारा, जो कुछ प्रेजेंस ऑफ एंटीजन है जैसे प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, यदि हमारे शरीर में है तो उसके लिए हम ये एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन यूज करते हैं, और बाय डिटेक्टिंग एंटीबॉडी सिंथेसिस अगेंस्ट पैथोजन, या तो हम ये बोल रहे हैं कि डिजीज को एंटीजन की प्रेजेंस से पता कर सकते हैं, या फिर एंटीबॉडी हमारे शरीर में सिंथेसिस हो रही है तो उस बेस पे भी हम उसका आइडिया लगा सकते हैं कि डिजीज है या नहीं। तो पिक से समझते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट पिक है, फर्स्ट डायग्राम है, इसके अंदर क्या है कि हमने कुछ एंटीबॉडी है पेशेंट की बॉडी से उसको कैप्चर किया है, और
उसको फिर एक सरफेस के ऊपर अटैच किया है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एंटीजन को इसके ऊपर ऐड करते हैं और एंटीजन इनके साथ बाइंडिंग शो करेगा, और स्पेशल टाइप के एंटीजन ही स्पेशल टाइप के एंटीबॉडी के साथ बाइंडिंग शो करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये बाइंडिंग को देखने के लिए बाहर से जिस प्रकार का जो एंटीजन है उसकी हम एंटीबॉडी है वो बाहर से, इनका हमको पता होता है, उनको बाहर से हम इस सरफेस के ऊपर रन करवाते हैं। और उसके बाद जब ये एंटीबॉडी जो यही इन्हीं की एक टाइप का मतलब ये रेडियो एक्टिविटी लिए हुए हैं, बाकी जो सरफेस पे नीचे एंटीजन या एंटीबॉडी है वही एंटीबॉडी है ये भी। और जैसे इस एंटीजन के साथ में नीचे वाली एंटीबॉडी भी अटैच है और ऊपर वाली भी पर्पल कलर की भी एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो उसके बाद ये रेडियो एक्टिविटी लिए हुए हैं, और जैसे ही हम इसको एक फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर रखते हैं तो ये रेडिएशन रिलीज करती हैं, और जिसकी वजह से फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इसका डायग्राम बन जाता है, और उससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि उस पर्सन के अंदर उस प्रकार के एंटीजन की एंटीबॉडी बननी स्टार्ट हो गई है। तो एंटीजन मतलब एंटीजन जिस प्रकार को उसी की पार्टिकुलर एंटीबॉडी वो बनती हैं, और एंटीबॉडीज को हम देख के नहीं बता सकते किस प्रकार की एंटीबॉडी ये बनी हुई है, तो उसको इस प्रोसेस के द्वारा ही हम चेक कर सकते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी बहुत जगह भी यूज की जाती है, और वो इंट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड होती है। इंट्रैक्शन का मतलब है कि दो चीज़ें होती हैं और उनके आपस में जैसे एंटीजन एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन, जैसे डीएनए में हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर बनते हैं, हाइब्रिडाइजेशन बनती हैं, तो उसमें जब वो अटैचमेंट शो करते हैं तो रेडियो एक्टिविटी में इमेज बन जाती हैं, और यदि वो अटैचमेंट नहीं शो करते हैं, जो भी हम बाहर से प्रोब यूज कर रहे हैं या फिर रेडियो एक्टिव सिग्नल यूज कर रहे हैं, तो उनके साथ यदि कोई अटैचमेंट नहीं है तो फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर कोई भी इमेज नहीं बनती है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं।